हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए मायूस करने वाली खबर है। आरबीआई के नियम के अनुसार किसी भी कंपनी की वॉलेट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को अपना एक करवाना होगा। अभी इस खबर ने तूल ही पकड़ी थी कि रिलायंस जियो ने अपना वॉलेट बंद करने की घोषणा कर दी है। अगर आप रिलायंस जियो का जियो मनी वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो अपने पैसों का इस्तेमाल तुरंत कर लें या बैंक में वापस ट्रांसफर करवा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि 26 फरवरी के बाद से आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। कंपनी 27 फरवरी से अपनी वॉलेट सर्विस बंद करने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने ग्राहकों को मैसेज भेजकर जानकारी देनी शुरू भी कर दी है। ग्राहकों को मिल रहे मैसेज के अनुसार 27 फरवरी से मोबाइल वॉलेट से बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की सेवा पर रोक लगा दी जाएगी। यह फैसला आरबीआई की गाइडलाइन के बाद लिया गया है। रिलायंस जियो के पुराने यूजर्स ना हो परेशान, इस तरह कर पाएंगे हैप्पी न्यू ईयर प्लान का इस्तेमाल। जियो मनी के अनुसार आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि मोबाइल वॉलेट के जरिए बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा को बंद किया जा रहा है। इसी के साथ बैंक ने यह भी कहा कि इस तारीख से पहले एक साथ पैसा बैंक में ट्रांसफर करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन यह सुविधा सिर्फ 26 फरवरी तक ही मिलेगी। हालांकि वॉलेट में बाकी काम पहले की तरह ही किए जा सकेंगे।